क्लियर है कोई डाउट बचे डाउट है तो बताओ चलो अब मैं आपको डिफाइन द कॉन्सेप्ट पहले आप इसको देख लो कुछ डाउट है तो फिर पूछिए फिर मैं आपको हां जी बच्चे आउटलेट मेथड में तीन ही केस होते हैं यहां पर परफेक्ट इन इलास्टिक और इलास्टिक के जो मैंने एक्सप्लेन किया वो पी आपको मिलेगा वीडियो के साथ में नीचे अब फ़ाइल अटैच रहेगी आपको ये चलो अब हम बच्चे पढ़े डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ द इनकम इलास्टिसिटी तो बहुत आसान है यहाँ पर जैसे परसेंटेज मेथड में हम प्राइस और क्वांटिटी ले रहे थे इनकम इलास्टिक में हम इनकम और क्वांटिटी लेंगे क्योंकि आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि हमारी इनकम में चेंज आने से हम जो है डिमांड में चेंज करते हैं अब आपको पता है कि इनकम में चेंज आने से डिमांड में कैसे चेंज करेंगे अब मेरी बात समझिएगा आप पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना होगा देखिएगा मैं बात करता हूं एक इनकम की पहले मैं कम्युनिटी के बारे में बात कर देता हूँ हेलो देखो अगर मेरे पास में जो कॉम्योडिटीज है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है ठीके? एक कॉमोडिटी होता है बच्चे नॉर्मल गुड्स ठीक है नॉर्मल गुड्स क्या होती है जो ब्रांडेड और हाई क्वालिटी गुड्स होती है सर नॉर्मल गुड्स कहते हैं जो हर किसी का ड्रीम होता है कि हम इस टाइप के गुड्स को कंज्यूम करें जो ब्रांडेड होती हैं तो यहां पर आप देखोगे कि इनकम और इस गुड्स की डिमांड के बीच की बात अगर मैं करूं तो यहां पर इनकम बढ़ती है तो इस गुड्स की डिमांड हम बढ़ाते हैं अब इनकम कम होती है तो अफोर्ड नहीं कर पाते डिमांड कम करते हैं तो ये जो गुड्स होता है हमारे नॉर्मल गुड्स होता है और एक बच्चे होता है हमारा इनफीरियर गुड्स यहां पर हमारे पास में है इनकम डिमांड ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या है कि आ, इनकम अगर बढ़ गई आपके तो आप क्या करोगे आप इन्फीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी गुड्स क्यों प्रेफर करोगे आप उसको कम कर दोगे इनकम कम होगी तो आपके पास में इस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी तो बच्चे आपके इनकम इंक्रीज होने से आप डिमांड बढ़ा भी सकते हो इनकम इंक्रीज होने से डिमांड आप कम भी कर सकते हो तो आपके इनकम में चेंज से डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये नेचर ऑफ गुड्स पर डिपेंड करता है क्लियर है ये बात समझ में आए आपको तो अगर पॉजिटिव रिलेशन है आपके इनकम और डिमांड के बीच में तो वो नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर रहे हो आप अगर आपकी इनकम बढ़ी और डिमांड कम कर दिया आपने इनकम कम हुई और डिमांड ज्यादा कर दिया, तो मतलब आप जिस गुड्स बच्चे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे देखो गुड्स कह रहे हैं डिस्कशन कर रहे हैं ना आपका क्लियर है कि इनकम लास्टिटी की वैल्यू नेगेटिव आएगी इन्फीरियर केसेस में और नॉर्मल केसेस में आपके पास में जीरो से वन और वन से लेस आएगी आपकी इसकी वैल्यू क्या कहने का मतलब है जरा समझिए मैं दोनों ही केस समझा देता हूं आपको बातें खत्म हो जाएगी देखो बात करते हैं इनकम की और बात करेंगे अब डिमांड की भी आई से रिप्रेजेंट होगा क्वांटिटी से रिप्रेजेंट होगा इनकम टेन रुपी इनकम आपके टेन रुपीज एग्जाम्पल ले लेते हैं लेने में क्या है डिमांड आपके हंड्रेड यूनिट्स है या फिर इनकम चलो वन थाउजेंड रुपीज है और डिमांड हंड्रेड यूनिट्स है इनकम बढ़ गई है आपकी ट्वेल्व हंड्रेड होगी क्लियर है बच्चे और इनकम आपके ट्वेल्व हंड्रेड हो गी. और आपकी इनकम राइज हुई है और आपने क्या करा डिमांड भी बढ़ा दिया 110 यूनिट्स कर दिया ठीक है तो यहां पर मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं आपको याद है परसेंटेज मेथड परसेंटेज चेंज इन इनकम कैलकुलेट करता हूं मैं पहले तो चलिए परसेंटेज चेंज इन इनकम तो क्या मैं चेंज कर रहा हूं ये होगा चेंज इन इनकम अपॉन ओरिजिनल इनकम इन टू हंड्रेड क्लियर है बच्चे तो आइए परसेंटेज चेंज इन इनकम इक्वल्स टू चेंज इन इनकम कैसे डेल्टा uh, कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे डेल्टा आई इक्वल्स टू बारह सो माइनस हजार दो सौ ना अपॉन ओरिजिनल इनकम टू हंड्रेड बीस परसेंट ठीक है बच्चे क्लियर है एंड परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा एल्ट क्यू बाय क्यू इन हंड्रेड जो क्वांटिटी में चेंज आया है तो क्वांटिटी में चेंज कितना है आपके पास में यहाँ फिर से माइनस करोगे आप डेल्टा क्यू कैसे निकालोगे आप 110 इसको भी आप नीचे से माइनस करें यहां भी माइनस कर दो माइनस में हंड्रेड तो टेन यूनिट्स तो टेन अपॉन हंड्रेड इन तो सॉल्व करेंगे तो टेन परसेंट क्लियर है बच्चे अब आप देखो जो इनकम में आपके चेंज आया था उसका हाफ इनकम में चेंज चेंज का हाफ आपका डिमांड में आया तो तो इसका मतलब मतलब है कि आप 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 अलर्ट रहेंगे हमेशा से जो भी आपके इनकम में में चेंज चेंज आएगा उसका आप 50 हाफ उसके डिमांड करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इनकम का डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इलासिसिटी ऑफ डिमांड इसी को बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी क्वांटिटी तो ऊपर रहेगा रहेगा क्योंकि इलास्टिसिटी आप डिमांड की ही निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम क्लियर है बच्चे तो अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या देखा आपने इनकम आपकी क्या हुई बढ़ी तो डिमांड भी आपका क्या हुआ बढ़ा तो भैया आपकी ईडी क्या आई है पॉजिटिव आया पॉजिटिव मतलब मोर देन जीरो पॉजिटिव का मतलब आपके पास में है तो ई अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा टेन बाय ट्वेंटी जीरो पॉइंट फाइव तो इस केसेस में आपके पास में कभी भी ध्यान रखना कभी भी अगर आपके पास में जो इनकम इलास्टिसिटी जीरो से अब आ जाए मतलब पॉजिटिव आ जाए इसका ये बताता है कि भैया इनकम में चेंज और डिमांड में चेंज में दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है और इसका मतलब ये हो गया कि आप जिस गुड्स की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल गुड्स है क्लियर है बच्चे आपको तो आप एक बात ध्यान रखना आप कभी भी मोर देन वन वैल्यू नहीं आएगी कि इनकम दस रुपए का आपका बढ़ा और आपने जितना पैसा बढ़ा बढ़ाने आप खर्चा कर रहे हो चीजों पे कहां से खर्चा करोगे कितना आमदनी बढ़ेगी उसमें से कुछ ही तो खर्चा करोगे बाकी पार्ट सेविंग में चला जाता है आपका अरे भाई मेरे सौ रुपये इनकम बढ़ी है मैं उसमें से अस्सी रुपये तो खर्च करूँगा नब्बे रुपये तो करूँगा नयानवे करूँगा एक सौ दस रुपये तो खर्च नहीं करूँगा ना क्योंकि बाकी पार्ट तो कुछ पार्ट तो सेविंग करना पड़ता है इसलिए आपका जितना इनकम में चेंज आ रहा है वो सारा पैसा आप क्वांटिटी पर ट्रांसफर नहीं करते हो कुछ सेविंग भी कर लेते हो इसलिए आपकी वैल्यू है ना इनकम लास्टी की वैल्यू जो है आपका वन से लेस भी आता है अगर जितनी इनकम में चेंज आया सारा आपने उसको क्वालिटी पर ट्रांसफर कर दिया तो इसका मतलब होता है कि भैया आपका वैल्यू वन आ जाएगा लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है तो इसलिए इसकी वैल्यू लेस देन बन रहती है क्लियर है बस एक बात ध्यान रखना पॉजिटिव अगर आपके पास में आ गया ये क्या रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है तो समझ जाना बच्चे क्या ये आपके लिए ये आपके लिए नॉर्मल गुड्स है और फार्मूला क्रिएट करके मैं आपको दे रहा हूँ क्या फार्मूला बना इसका जरा आप ही बता दीजिए फार्मूला तो ये बनाना बच्चे इनकम इलासिसिटी का कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू हंड्रेड एंड परसेंटेज चेंज इन इनकम तो डेल्टा आई बाई आई इंटू हंड्रेड तो सॉल्व करा तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा आई इंटू आई बाय क्यू क्लियर है बच्चे तो so, ये आपके पास में क्या आ गया ये इसके फार्मूला क्रिएट कर दिया आपने अब आप देख लो आपके पास में क्या है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मुला परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ फॉर एक्स परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ठीक है अब ये क्या कहता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम फॉर्मुला क्रिएट कर दिया फॉर द इन्फीरियर गुड्स इंफीरियर गुड्स में आप क्या देखोगे इन्फीरियर गुड्स में देखोगे अगर इनकम बढ़ी तो डिमांड कम होगी अगर आप डेल्टा निकालोगे तो आपका नेगेटिव साइन आएगा क्लियर है बच्चे फॉर इनफीरियर गुड्स ईडी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम आपके पास में क्या आ जाएगा आपका लेस देन वन आ जाएगा और नॉर्मल गुड्स में जीरो से ग्रेटर एंड वन से लेस आएगा सपोज फॉर द ऑफ द द ड्यू टू इंसिस इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर द डिमांड फॉर द टेलीविजन सेट्स इंक्रीज बाय द टेन परसेंट इन द एग्जाम्पल जीरो पॉइंट फाइव आपका Normally, in in the, uh, goods, in आ गया नॉर्मली एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर्स इनकम टेंस टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर मोस्ट गुड्स एक्सपेक्ट द वट आर नॉन एज अ इन्फीरियर गुड्स इन केस ऑफ द इनफीरियर गुड्स इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर टेंस टू रिड्यूज द डिमांड फॉर दैम क्लियर है बच्चा समझ में आ गया तो आपके इन्फीरियर गुड्स के केसेस में क्या होता है देखो इनकम क्वांटिटी थाउजेंड रुपीस हंड्रेड यूनिट्स अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आपकी डिमांड क्या होगी आपने डिमांड इसके अब कम कर रहे हो 80 यूनिट्स ठीक है और आपके पास में इलास्टिसिटी ऑफ इनकम कैसे निकालोगे आप डेल्टा क्यू बाय डेल्टा आई इन टू आई बाय क्यू क्लियर है अब देखो यहाँ पर जरा आप निकालोगे जरा डेल्टा क्यू कैसे निकालना चाहोगे इसमें से माइनस करोगे चलो कर लो 100 माइनस एट्टी तो कितना है 20 एंड डेल्टा आई कैसे निकालोगे आप ऊपर से माइनस करें यही माइनस करो तो माइनस टू हंड्रेड आ गया तो इलासिसिटी ऑफ इनकम तो आपके पास में क्या आ गया ट्वेंटी अपॉन टू हंड्रेड माइनस का हो गया इन इनकम क्वांटिटी अब देखो क्या चक्कर चल रहा है आपका ये पहले तो तीन जीरो तीन जीरो कट गया क्लियर है So, मैं आपको उसके बाद क्या आ गया आपका ये नेगेटिव फिगर आ गया तो नेगेटिव फिगर क्यों आया क्योंकि अगर एक चीज आपकी बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है कम हो रही है तो इनकम और क्वांटिटी के बीच में अगर इनवर्स रिलेशन है तभी आपका जो है ये नेगेटिव आएगा और जब नेगेटिव आएगा मीन्स लेस देन जीरो फिगर आएगा और जब भी लेस देन जीरो आएगा मतलब कि क्या है आपका ये गुड्स आपका इन्फीरियर गुड्स है क्लियर है बच्चे समझ so, में आया आपको है? अब ज्योमेट्री मेथड आपका एक रह गया क्रॉस क्रॉसिटी आर्क मेथड तीन चार चीजें हैं आज तो हमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ लिया इनकम लास्टिक पढ़ लिया दो तीन हम नेक्स्ट क्लासेस में भी पढ़ लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा क्लियर है बच्चे अब आप देखिएगा अब बच्चे देखेंगे एक चीज़ और जरा समझेंगे कि अभी जैसे कि आ, कुछ फैमिली में आ, कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी जिसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाया बट जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल रहा था रात को सुबह और अभी लेटेस्ट भी मैंने कुछ क्लासेस को रिकॉर्ड कर लिए कुछ चैप्टर्स को तो आप लोगों का कोर्स टाइम पर हो पाए तो वो मैं आपको एक चैप्टर एक्स्ट्रा चैप्टर आपको मैं प्रोवाइड फ़ोल्डर करवा दूंगा जिसको कि आप इज़िली कोर्स को अपनी स्पीड से कर सकते हैं और आप लाइव क्लासेस में क्लास नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए मैं डाउट क्लासेस भी रख दूंगा जो उसमें आपको डाउट आएगा तो आप डाउट भी पूछ लेंगे ठीक है बच्चे तो कोर्स आपका टाइम पे होना चाहिए चाहे मुझे एक्स्ट्रा टाइम में रिकॉर्ड करके वो क्लासेस आपको देनी पड़े और उसके लिए डाउट क्लास में आपका आपका रख दूंगा ठीक है कि भैया एक घंटी लाइव रख दिए उसमें जो मैं रिकॉर्डिंग क्लासेस है जो डाउट है वो मुझसे आप पूछ लीजिए क्लियर है बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ इसमें रिकॉर्डिंग क्लासेस अगर मैं कुछ चैप्टर्स डाल दूँ तो एक दो चैप्टर डाल देता हूँ अगर मैं